बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस किया, लेकिन वो केस वन था। अब हम बाकी केसेस यानी कि केस टू और केस थ्री को यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल केस टू। अच्छा, केस टू में क्या होगा? केस वन में था कि हमारे पास जब दो साइड्स और एक एंगल हमें गिवन हो, तब हम उसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह है कि उसे थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स, यानी कि दो एंगल्स हों और एक साइड हो हमारे पास, तब हम किस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहां पर यूज करेंगे लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस हम पहले पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ साइंस क्या होते हैं? लॉ ऑफ साइंस मैं दोबारा से यहां पर लिखता हूं, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, तो ये मैं साथ लिख भी देता हूं कि ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ साइन। अच्छा, अब यहां से देखें हमारे पास आ सकता है, अगर मैं लिखूं तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ये मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं पहले और आखिरी को आपस में इक्वल लिख सकता हूं। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं इनको यानी कि इसको इसके इक्वल लिख सकता हूं, इसको इसके इक्वल लिख सकता हूं। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया यहां पर। अब यहां से ए अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो ए किसके इक्वल होगा, ए इक्वल होगा साइन सी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ठीक है, इसी तरह से आप यहां से फाइंड कर सकते हैं बी, बी इज इक्वल टू सी साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज यहां से मैंने फाइंड की। अच्छा, ये फाइंड मैंने क्यों की ए और बी की वैल्यूज, क्योंकि हमें पता है कि जो पिछले लेक्चर में हमने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हाफ ए बी साइन गैमा। ठीक है, तो इसको हम यहां पर यूज करेंगे। देखें, अब मैंने ऊपर जो है ए और बी की वैल्यूज क्यों फाइंड की, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन गैमा होता है। ए और बी की वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे जो हमने साइन लॉ ऑफ साइंस में हमने फाइंड की। ठीक है, तो फिर यहां से ए किसके इक्वल आ जाएगा, मैं यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू ए है सी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ठीक है, हाफ ए इंटू बी, बी हमने जो फाइंड किया है लॉ ऑफ साइन से वो है सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा। ठीक है, हाफ ए बी इंटू साइन ऑफ गैमा, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको हम अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ। अच्छा, उसके अलावा ये साइन गैमा आपको जो नजर आ रहा है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में ये वाले। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी वो होगा हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय
साइन गैमा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह से बाकी अगर हम फाइंड करना चाहें, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर आया ना, ठीक है, सी एक साइड अगर सी है, अगर ए है और बी है, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल होंगे वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तब हमारे पास होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, या फिर हम टू को नीचे लिख लेते हैं, तो कहते हैं ए स्क्वायर साइन ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय टू साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल भी होगा जब हमारे पास बी साइड गिवन हो तो, ठीक है। अभी तो हमने पहले लिखा सी साइड जब हमें गिवन हो तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सी स्क्वेयर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गैमा और साथ में वन बाई टू मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब हमारे पास ए साइड गिवन हो तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ए स्क्वेयर साइन बीटा साइन गैमा ओवर टू साइन अल्फा। और अगर हमारे पास बी साइड हो तो हम लिखेंगे बी स्क्वेयर साइन ऑफ गैमा इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय टू साइन बीटा, ठीक है। तो ये था केस टू हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, ठीक है। ये तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं फार्मूलाज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने के लिए, जो कि केस टू है। और केस टू है क्या कि जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल हो हमारे पास, ठीक है। अब हम केस थ्री की तरफ आते हैं। अच्छा, केस थ्री में जो है वो डिफरेंट सिनारियो है। पहले तो हमारे पास जो है केस वन और केस टू में ये है कि एक एंगल या दो एंगल्स होते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से बाकी साइड्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर केस थ्री में क्या है, केस थ्री में है कि तीनों की तीनों हमारे पास साइड्स होंगी, एंगल कोई भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है, तीनों की तीनों साइड्स गिवन होंगी, तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है जैसे केस वन में हमने जो फाइंड किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या था, हाफ इंटू ए बी साइन गैमा। तो इसी को हम यूज करेंगे क्योंकि हमने पिछले केस में भी जो है फाइंड किया था, तो इसी को यूज करते हुए हमने फाइंड किया, ठीक है। तो यहां पर भी यही यूज होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी साइन गैमा भी हो सकता है, साइन अल्फा भी हो सकता है। ऐसा करते हैं इस बार हम एंगल जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो साइन ऑफ अल्फा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अल्फा अगर होगा तो यहाँ पर साइड्स कौन सी होंगी, बी और सी होंगी, क्योंकि बी और सी साइड्स का ये इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो अल्फा होता है, ठीक है। तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन अल्फा। अच्छा, उसके अलावा आप देखें तो साइन अल्फा किसके इक्वल हो सकता है, साइन अल्फा साइन, अगर मैं साइन अल्फा को लिखूं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ अल्फा बाय टू प्लस अल्फा बाय टू, ठीक है, एंगल को मैं स्प्लिट करके इस तरह से लिख दूं, तो साइन ऑफ अल्फा बाय टू प्लस साइन ऑफ अल्फा बाय टू। इस तरह मैंने क्यों किया ये भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो साइन ऑफ अल्फा बाय टू प्लस अल्फा बाय टू, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा बाय टू को, इसको फर्स्ट वन को आप अल्फा कंसीडर करें और सेकंड को आप बीटा कंसीडर करें, तो आप पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, जो कि इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। तो अल्फा इस केस में अल्फा बाय टू है और बीटा इस केस में वो भी अल्फा बाय टू है, तो ये कॉस ऑफ अल्फा बाय टू साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया साइन ऑफ अल्फा बाय टू प्लस साइन ऑफ अल्फा बाय टू प्लस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू
टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, तो इसको हम साइन ऑफ अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ इसको, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। इसको हम पहले चैप्टर नंबर 9 में हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन मैंने इसको दोबारा से यहाँ पर आपको बता दिया ताकि यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो कोई भी। ठीक है, तो साइन ऑफ अल्फा को मैंने लिखा टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसकी समझ आपको अभी आएगी जब मैं वो प्रूव करूँगा। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया हमने लिखा है हाफ बी सी साइन अल्फा। अब यहाँ साइन अल्फा की जगह मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है, ये जो हमारे पास फार्मूला है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसमें साइन अल्फा जो आ रहा है उसकी जगह मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको अब हम यूज़ करते हैं उसकी जगह, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बी सी इंटू साइन ऑफ अल्फा, तो यहाँ पर बन जाएगा टू साइन अल्फा बाय टू इंटू कॉस अल्फा बाय टू। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, टू को कैंसिल कर देते हैं, ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बी सी साइन अल्फा बाय टू इंटू कॉस अल्फा बाय टू। अच्छा, अब आप देखें साइन ऑफ अल्फा बाय टू ये क्या चीज़ है, ये है साइन ऑफ हाफ एंगल, और ये कॉज ऑफ अल्फा बाय टू क्या, ये क्या चीज़ है, ये है कॉज ऑफ हाफ एंगल। ठीक है, तो हाफ एंगल के फार्मूलाज इसी चैप्टर में हमने जो पढ़े हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यूज़ कर लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होते हैं, वो मैं पहले लिख देता हूँ, साइन ऑफ अल्फा बाय टू इक्वल होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी का स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसी तरह से कॉज ऑफ अल्फा बाय टू किसके इक्वल होता है, ये भी कॉज ऑफ हाफ एंगल है। ठीक है, वो इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये साइन ऑफ अल्फा बाय टू कॉज ऑफ अल्फा बाय टू यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बी सी और साथ में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर रूट और साथ में मल्टीप्लाई होगा एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको हम ए की स्क्वायर रूट में अगर लिखना चाहें तो ये किस तरह से बनेगा, बी सी एस इन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए और साथ में एस मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इसका स्क्वायर रूट है और साथ में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी सी का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर तो चलें स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बाकी टर्म्स जो बचेंगी वो क्या होंगी, बी सी स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी, क्योंकि इसके ऊपर से तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इसको भी आप देखें यहाँ पर भी जो है बी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो टर्म्स हमारे पास बचेंगी वो क्या होंगी, एस इंटू इसको भी रीअरेंज करके लिख लेते हैं एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल के। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो एस किसके इक्वल होता है, एस इक्वल होता है सम ऑफ साइड्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू के।
ठीक है, तो ये एस जो है वो इसके इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2k, यानी कि सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2k। तो इसमें भी कोई भी एंगल नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह से आप देखें तो हमारे पास केस भी यही है कि किसी में एंगल नहीं आना चाहिए, सबके सब क्या है, साइड्स हैं, ठीक है। सब के सब हमें साइड्स गिवन होंगी और उसका हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर कोई भी आपको एंगल नहीं नज़र आएगा इस फार्मूला में, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये केस इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके मज़ीद मैं बताते चलूँ कि जो हमने ये फार्मूला फाइंड किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसको हम कहते हैं हीरोज़ फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है, हीरोज़ फार्मूला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं केसेस को दोबारा से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि केस वन में हमारे पास क्या था। केस नंबर वन में था हमारे पास के दो साइड्स, टू साइड्स और वन एंगल गिवन, ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल हमें गिवन होता है। केस वन में, केस टू में क्या है, केस टू में वन साइड और टू एंगल्स गिवन, ठीक है, एक साइड और दो एंगल्स होते हैं। और केस थ्री में थ्री साइड्स, नो एंगल, एंगल नहीं गिवन होता, ठीक है, थ्री साइड्स गिवन, तीनों साइड्स होती हैं, कोई एंगल नहीं होता। तो इस तरह से अगर ये तीन किस्म के केसेस हों, ठीक है, तीन सिनारियोज हों, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। केस वन का हमने अलग से डिस्कस किया कि उसके फार्मूलाज अलग से हैं, ठीक है, और केस टू के लिए डिफरेंट सिनारियो है कि वन साइड होगा गिवन और टू एंगल्स गिवन होंगे, उसके लिए अलग से फार्मूलाज हैं, ठीक है। और केस थ्री जिसमें हमने देखा कि तीनों की तीनों साइड्स गिवन होती हैं, तो उसके लिए अलहदा से फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब वही फार्मूलाज मैं यहाँ पर इकट्ठे लिख देता हूँ, केस वन के लिए, केस वन के लिए जो हमारे पास फार्मूलाज हैं वो क्या है, वो फार्मूलाज हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन अल्फा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो इक्वल टू हाफ सी ए साइन बीटा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन गामा, ठीक है। तो ये केस वन के लिए, केस वन किसके लिए है कि जब हमारे पास टू साइड्स एंड वन एंगल गिवन, ठीक है। अब हम आते हैं केस टू पे, केस टू के लिए भी लिख लेते हैं। केस टू में हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, या चलें ए स्क्वायर पहले लिखते हैं, ए स्क्वायर साइन ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाय टू साइन अल्फा, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो इक्वल टू बी स्क्वेयर साइन गामा इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय टू साइन बीटा, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल्स टू सी स्क्वेयर साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ टू साइन ऑफ गामा, ठीक है। तो ये केस टू के लिए फार्मूला होते हैं। और केस टू में क्या होता है कि वन साइड एंड टू एंगल्स गिवन, ठीक है,
और इसी तरह से केस थ्री के जो फार्मूलाज हमने देखे वो क्या हैं, केस थ्री के फार्मूलाज भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक ही फार्मूला है इसका, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट, और इसको हम कहते हैं हीरोज़ फार्मूला, ठीक है। और इसके अलावा एस इक्वल होता है सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय टू, या टू एस इज इक्वल टू सम ऑफ थ्री साइड्स हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों केसेस हैं, उनके फार्मूलाज हैं। और केस थ्री में क्या होता है कि थ्री साइड्स आर गिवन, थ्री साइड्स गिवन। तो यहाँ पर ये तीनों केसेस ख़त्म होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट लेक्चर से हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 12.7 वो सॉल्व करेंगे।